जो अहम खबर है, प्रमुख खबर के साथ न्यूज पंच की कर लेते हैं शुरुआत, जो है महाराष्ट्र से जुड़ी। जी हाँ, आज जहां हम सभी की निगाहें इस पर टिकी होने वाली, आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे। महायुति की प्रचंड जीत के 13 दिन बाद आज नई सरकार का गठन होगा और देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम के रूप में शपथ लेंगे। पहली बार 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस और उसके बाद कल राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा देवेंद्र फडणवीस ने पेश किया और उसके बाद में अब आज मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। शाम 5:30 बजे का वो समय होगा जब शपथ ग्रहण के लिए जो समय रखा गया है। इसके साथ ही कई वीवीआईपी गेस्ट इसमें शामिल होंगे। इस दौरान जो पूरी तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही शपथ ग्रहण को लेकर कैसी है वहां की तैयारियां और कितना भव्य आज के इस कार्यक्रम को बनाया जा रहा है वो उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त महाराष्ट्र की हलचल को लेकर के और साथ ही आज के कार्यक्रम को लेकर ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं। तो जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लौट कर आया है समंदर। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस की आज ताजपोशी होने वाली है। 5:30 बजे का ये वक्त रखा गया है और 5:30 बजे कई सारे वीवीआईपी गेस्ट जो होंगे वो आजाद मैदान पहुंचेंगे मुंबई के और वहां पर इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो आज की नजर सीधे तौर पर रहेगी मुंबई के इस आजाद मैदान में। लेकिन फडणवीस ने राजनीति को नया आकार दिया है और किस तरीके का ये आकार दिया गया है वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने की घोषणा देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की गई थी जिसने उनकी एक अलग पहचान बनाई। साथ ही आपले सरकार योजना की शुरुआत देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की गई और इस योजना का जो सीधा असर है वो जनता पर एक अलग पड़ता हुआ नजर आया। अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम का भी उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किया गया। साइबर प्रयोगशालाओं और ग्राम डिजिटलीकरण का भी शुभारंभ देवेंद्र की तरफ से किया गया है। तो ऐसे में ये तमाम वो अहम फैसले और जिन्होंने देवेंद्र फडणवीस को एक अलग पहचान दी। छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना की भी उन्होंने शुरुआत की थी। तो कहीं ना कहीं ये वो अहम कदम जो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से उठाए गए हैं। इसी के साथ में अपने संवाददाता से बात कर रहे थे। इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, योगेश शीतल, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। योगेश, मुंबई का आजाद मैदान जो है वो सजकर तैयार हो चुका है, भव्य समारोह है, कई सारे वीवीआईपी गेस्ट वहां पर पहुंचेंगे। सीधी तस्वीरें वहां की दिखाइए और साथ ही क्या कुछ तैयारियां। देखिए कृतिका, इस वक्त हम जो है देवेंद्र फडणवीस के आवास पे हैं। थोड़ी देर के बाद जो है हम आपको आजाद मैदान का दृश्य दिखाएंगे। वहाँ पे बेसिकली 3 मंच बनाए गए हैं जिसमें जो कि एक कल्चरल इवेंट्स के लिए है, एक जिसपे पीएम और वीवीआईपीज रहेंगे और तीसरा जो है जिसपे साधु संत सन्यासी जो है जो हर धर्म के हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर इस वक्त हम सागर बंगलों के बाहर हैं जहां सुबह से जो है आने वालों का तांता लगा हुआ है। लोगों को चेक करके अंदर जाने भी दिया जा रहा है। कई लोग मिले देवेंद्र फडणवीस यहां से निकलेंगे, थोड़ी देर में वो यहां से निकलेंगे और यहां से वो सीधे सिद्धि विनायक मंदिर जाएंगे। जैसा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि यहां से सिद्धि विनायक जाएंगे, वहां पे पूजा पाठ करके फिर वो आगे के जो दिन का कार्यक्रम है वो चलेगा। इसके अलावा यहां से करीब 400 मीटर की दूरी पर अजीत पवार का आवास है जहां पे इस वक्त बैठक चल रही है एनसीपी एमएलएज की। साथ ही वर्षा बंगलों पे जहां पे की कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं वहां पे भी बैठक चल रही है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बारे में आपको संक्षेप में बता दूं, 5:30 का ये समय है। करीब आधे घंटे के बीच में जो कार्यक्रम रखे, चूंकि 5:57 का शुभ मुहूर्त जो है वो माना जा रहा है, वो जो सूचना मिल रही है उस हिसाब से, और काफी भव्य तरीके से सजाया गया है। मुंबई पुलिस ने कई सारे बंदोबस्त किए हैं, कई सारे ट्रैफिक रूट्स को बदला गया है और कई सारी जो एडिशनल सर्विसेज हैं वो भी वहां पे दी गई है इंश्योर करने के लिए कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बड़ी संख्या में 40,000 से ज्यादा लोगों के आने की अपेक्षा है। कार्यकर्ता होंगे, वीआईपी मूवमेंट से, तो उसको लेकर ट्रैफिक डाइवर्ट और नए नए रूट जो है वो भी वहां पर किए गए। गतिविधियां तेज है यहाँ पे, जो अलग अलग पार्टी के जो पार्टी के नेता है उनका यहाँ पे आना जाना लगातार इस वक्त शुरू है। जी कृतिका, ठीक है। योगेश, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा तो कल कर दी गई थी लेकिन इसके साथ ही सवाल अभी भी लगातार बरकरार है कि उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर भी क्या शपथ आज होगी, क्या अभी तक किसी प्रकार के नामों पर मोहर लग पाई है। देखिए, मोहर लगने की बात है तो मोहर बिल्कुल लग चुकी है लेकिन अभी इस चीज को आधिकारिक तौर पर कहा नहीं गया है। पार्टी के अंदर इस पर जो है वो चर्चा चल रही है क्योंकि मंत्रालयों को लेकर जो है अभी जो मंत्रालयों का बंटवारा है वो अभी
चल रहा है उस पर डिस्कशन जो नेगोशिएशन उस पर भी अभी चल रहा है, लेकिन जिस तरीके के बैनर पोस्टर हैं, हालांकि यहाँ पे मैं आपको अपने पीछे कोई बैनर नहीं दिखा सकता, हमारे पीछे जो है कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा, लेकिन वो बिल्कुल सड़क की दूसरी तरफ है, तो जहाँ पे जो बैनर है उसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का, तीनों की जो तस्वीर है वो वहाँ पे लगी हुई है। अभिनंदन जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो पोस्टर्स बनाए जाते हैं पूरे अभिनंदन जो है, अगर आप सीएसटी से चलेंगे तो आपको सीएसटी कामा रोड होते हुए हॉस्पिटल रोड होते हुए आपको हर जगह मुंबई में तीनों ही नेताओं के पोस्टर दिख रहे हैं, जहाँ पे उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको स्वागत भी किया गया है। तो ये माना जा रहा है कि तीनों जो है शपथ तीनों का होगा, उसके बाद जो मंत्रालय है, जो मंत्री हैं, उनका शपथ ग्रहण जो है बाद में होगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सूचना मिल रही है शपथ ग्रहण के बाद जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें कुछ बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। मसलन अगर आप कुछ रेफरेंस के लिए मैं आपको बताऊं तो जब लास्ट टाइम जब सरकार गिरी थी उद्धव ठाकरे की, उस वक्त जो है कुछ जगहों के नाम बदलने का फैसला वो लास्ट कैबिनेट मीटिंग में लिया गया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। कुल मिलाकर पूरा दिन जो है काफी गहमा गहमी वाला आज महाराष्ट्र में रहने वाला है। बिल्कुल, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन साथ ही जिस तरीके से मंथन अभी हो रहा है कि आखिर किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इस पर अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है। लेकिन क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तमाम नेताओं से भी आपको आपकी बातचीत हुई होगी और खबरों का जो बाजार है वो भी इस वक्त गर्म है, तो क्या नजर आता है एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी, कौन कौन से अहम मंत्रालय, क्योंकि बड़े मंत्रालयों पर सभी की नजर है इस वक्त। देखिए, मंत्रालय में दो पॉइंट है। पहला यह है कि जब सरकार 2022 में गिरी थी उद्धव ठाकरे की, तो उस वक्त जो शिवसेना के मंत्री थे जो कि बाद में शिफ्ट हो गए एकनाथ शिंदे की तरफ से, जब नई पार्टी एकनाथ शिंदे ने शिवसेना, बेसिकली एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो गई, तो उस वक्त जो भी मंत्री थे, चाहे वो दादा भूसे हों, चाहे वो उदय सामंत हों, चाहे वो और कोई भी मंत्री हो, तो वो जो मंत्री थे वो सब चाह रहे हैं, जो एकनाथ शिंदे शुरू से कहते आ रहे हैं कि उन्होंने जो सरकार जो वो अलग हुए थे शिवसेना से, तो विचारधारा की वजह से अलग हुए थे, क्योंकि मंत्रालय तब भी उनके पास था और सारी जो रिसोर्सेज थे वो भी थे, लेकिन चूंकि बाबा जो बाला साहब ठाकरे की विरासत है इससे कॉम्प्रोमाइज किया था उद्धव ठाकरे ने, इसके लिए वो अलग हो गए थे। तो जो मंत्रालय है वो कोशिश है कि वो मंत्रालय जो भी विधायक उस वक्त थे जिनको मंत्रालय मिला था शिवसेना के अंतर्गत, वो जो है उनको वो मंत्रालय मिले, ये पहली बात है। दूसरी बात जो गृह मंत्रालय की बात है, ये देखिए गृह मंत्रालय पे कहा जा रहा है कि वहां पे रिंकल्स हैं जिसको लेकर आयरन आउट करने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्रालय को लेकर एकनाथ शिंदे की तरफ से बार बार कहा गया है, कई मौकों पर कहा गया है कि केंद्र के द्वारा या जो वरिष्ठ है उनके द्वारा जो भी कहा जाएगा, जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उनको जो भी कहा जाएगा वो जो है वो उसको मानेंगे। लेकिन इसमें एक चीज महत्वपूर्ण ये है कि शिवसेना जो है क्षेत्रीय पार्टी, यानी कि एकनाथ शिंदे जो है वो ही अपनी पार्टी के सर्वोच्च हैं, उनका कोई दिल्ली का हाईकमांड नहीं है, इसीलिए जब वो बोल रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो बोलेगा, तो उनके कहने का मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा या फिर अमित शाह, उसके लिए भी सहमति है। तो कुल मिलाकर अगर आप समन्वय की स्थिति देखें तो समन्वय अच्छा है। मंत्रालयों को लेकर ये चीज चल रहा है, चूंकि कई सारी योजनाएं जो है, जो कि 2014 से 19 तक जब देवेंद्र फडणवीस थे तब उन्होंने चलाया था, मसलन की जलयुक्त शिविर जैसी की योजना, कई योजनाएं जो आपने अपनी ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाया कि किस तरीके के कार्यक्रम तब चलाए थे आपले सरकार द्वारा चीजें, तो उन सब योजना जो कि देवेंद्र फडणवीस की फ्लैगशिप प्रोग्राम थी, कोशिश ये की जा रही है कि उन सब मिनिस्ट्रीज को बीजेपी जो है रिटेन करे, ताकि जो कोऑर्डिनेशन हो वो अच्छे तरीके से हो सके, और जहां से चीजें डीरेल हुई, पटरी से उतरी बिकॉज ऑफ एमवीए गवर्नमेंट, वो चीजें जो है वो वापस ट्रैक पे लाया जा सके। इसमें से वो भी योजना है जो कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की जो योजना है ये भी है, तो कई सारी योजनाएं इनको लेकर ही मंत्रालयों का बंटवारा होना है। बिल्कुल, इस पर नजर हमारी लगातार योगेश बनी रहेगी, लेकिन साथ ही उसका इंतजार किया जा रहा है। शपथ ग्रहण के बाद में जो पहली कैबिनेट की बैठक होगी इस पर भी नजर लगातार बनी हुई, क्योंकि इस पहली बैठक में कहीं ना कहीं कई सारे अहम फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, और इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा।